ऐसे सेलिब्रेट करके कितना अच्छा लगता है हम सारे मदर्स को। जो नहीं भी मनाते उन्होंने भी मनाया, जो मनाते हैं उन्होंने अच्छे से मनाया। तो सरप्राइज प्लान किया है, कल सोचा था हमने, एक दिन पहले सोचा था कि हम जाएंगे। सारी मम्मी हेलो बोल दो। अरे जो मम्मी होती है उसको बोल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है मदर्स डे, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे घर से। आज है मदर्स डे और हमें कुछ नहीं पता आज क्या होने वाला, क्योंकि हमने तो कोई प्लानिंग्स नहीं की, पर ऊपर वाले घर वालों ने कुछ तो प्लानिंग की है। अभी हो रही है मॉर्निंग और अभी हम पीते हैं चाय, अपनी चाय, बिस्किट, नमकीन, सब कुछ। आज मदर्स डे पर मॉम्स मैजिक, तो चाय वगैरह पीते हैं। और आप सोच रहे हो कि मैंने अपनी मम्मी को अब तक मदर्स डे क्यों नहीं विश किया, पर मैंने वो पहले ही कर दिया जब मैं सो के उठी थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे देख लिया था तब विश करना पड़ता है ना, तब मैंने कर दिया था। और रात को मैंने स्टेटस लगाया तो वो भी मम्मी ने देख लिया था। बोलो थैंक यू। जो रियल बोलता है और जो फॉर्मेलिटी करता है पता लगता है मेरे को, मैं बेवकूफ थोड़ी। आंटी हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो गाइस मम्मी तो निकल चुके हैं अपने बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज मम्मी को बाहर जाना था। एंड द थिंग इज गाइस, हमें ना मम्मी का बर्थडे नहीं पता है, क्योंकि मम्मी का हमारे सबके बर्थडेज ना जो है वो अप्रैल में आते हैं। 3 अप्रैल को मेरे भाई का, 14 को मेरी बहन का और 30 को मेरा। और तो और हमारे डॉगी का भी 18 अप्रैल को आता था, पर अब वो नहीं रहा इस दुनिया में। मेरे पापा का भी अप्रैल में ही आता है, पर उनका भी नहीं पता, तो मेरे पापा ने अपने आप से अपना बर्थडे रख लिया है कि मेरा बर्थडे है 15 जून को। मेरे पापा ने अपना बर्थडे खुद रख लिया, तो मेरी मम्मी रह गई। मेरी मम्मी का कोई बर्थडे नहीं पता कि मम्मी का बर्थडे आता किस तारीख को है। अप्रैल में ही आता है पर पता नहीं किस तारीख को आता है, तो इसलिए हम अपनी मम्मी का बर्थडे मनाते हैं मदर्स डे पे। तो यानी जब जब मदर्स डे आएगा तो मेरी मम्मी का बर्थडे आएगा, और ये सबसे अच्छी बात भी है। पता कैसे, मदर्स डे की तारीख हमेशा चेंज होती रहती है, तो मेरी मम्मी को पता नहीं चलेगा कि हम मतलब सरप्राइज दे सकते हैं उनको कोई भी, कि आज है ना, आप समझ रहे हो ना गाइस। हमने या मेरी मासी ने मिलकर सरप्राइज प्लान किया है, कल सोचा था हमने, एक दिन पहले सोचा था कि हम जाएंगे मेरी नानी के घर पे, और मेरी नानी को और मेरी मम्मी को दोनों को मदर्स डे वाला केक कटवाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। पर लेकिन कल अचानक कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो गए कि हम जा नहीं पाए, तो आज शायद हम चले जाएँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। प्लानिंग्स गाइस देखो, ये रखा है हैप्पी मदर्स डे का केक, ये पूरा का पूरा पैक्ड है। तो मैं अभी इसको अभी खोल के नहीं दिखा सकती, तभी हम तैयार व्यार होते हैं, जाते हैं कहीं और फिर आपसे मिलती हूँ अगेन। ये अंदर वीडियो कॉल चल रहा है, नानी मम्मा को कॉल की हुई है, उनको भी विश करके आई हूँ मैं हैप्पी मदर्स डे। बहुत प्यारे हैं वो, उनके लिए केक लेके आए थे, पर लेकिन उनके पास जा ही नहीं पा रहे यार, शायद जाएँ शायद ना जाएँ, होप सो चले जाएँ। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हम सब मिलके उनको मदर्स डे मनाने जाएंगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। काश हम चले जाएँ मदर्स डे। थैंक यू। मैंने इनको भी पहले कर दिया था आपको दिखाने के लिए, एक बार दोबारा करना पड़ा। ये है मेरी मासी। आज पूरा दिन निकल गया, शाम हो रही है, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी। शाम तक भी अब तक मैंने कुछ नहीं अब तक हमने कुछ नहीं किया सेलिब्रेट डे पे मॉम के कप में। गाइस देखो मदर्स डे पे हमारी मदर हमारे लिए क्या लेके आई, सैंडविच, समोसा, पार्टी, चाय पार्टी, मेरी कॉफी पार्टी। दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती, पीने में ऐसा शिकनी ऐसा होता।
है जो मम्मी होती है उसको बोल। हाँ काटते शाम को काटते। हाय मदर डे बनाए कि बर्थडे गाइस तो मदर डे सेलिब्रेट हो गया। अरे केक के साथ होता है, ब्रेड के साथ हो रहा है यहाँ पे। वाओ चले आइसक्रीम खा के आएंगे। सना बोल रही घर से पिज्जा बना के लेके जाएंगे। जा बना पिज्जा, चल चल पिज्जा बना जाके। गाइस वी हैव डिसाइडेड कि अब जाएंगे हम पार्क में जाएंगे, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। गाइस देखो सारी मम्मी इकट्ठी होके बैठी है। हेलो सुंदरलाल, ब्राउनी हैप्पी मदर्स डे। तू भी तो मदर बनी थी ना, हैप्पी मदर डे मेरे बच्चा। गाइस सारी मम्मी इकट्ठी हुई है, आज हम मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे, नहीं हैप्पी मदर्स डे। सारी मम्मी हेलो बोल दो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। यार बोल ले यार, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। ताली तो बजा दो शर्मा। गाइस हमारा वाला केक भी आ गया। गाइस मेरी नानी है नहीं साथ में आज, ये मेरी नानी है। ये है और वो वाली अभी है नहीं, वो भी घर पे है। गाइस ये हेड मम्मी है ना, इसलिए सब मम्मी केक काट सकती हैं। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू। बच्चे पार्टी खिलाओ सबको। मेरी मम्मी को अब आप लोग खिलाओ सारे, हमें छोटे बच्चे बन गए हैं खा लेंगे। हां खा लो खा लो। सारे लोगों ने करना, तू भी बना ले हैप्पी बर्थडे। ये तो थोड़ा सा है बच्चे बच्चे मेरा बंद रख। सारी मैंने थोड़ा लिख लेते हैं। नमस्ते हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। नहीं देखो कोई नहीं पूछ रहा, नहीं शंकर का भी हैप्पी बर्थडे आज। देखो क्या हो, कोई पूछता नहीं है। पवनी देखो हैप्पी बर्थडे नहीं बोला किसी ने, ऐसे नहीं बोला हैप्पी मम्मा डे बोना। ब्राउनी हैप्पी बर्थडे मेरा चुंदर, हैप्पी मदर्स डे टू यू। कैसे लगा बोना आपको केक? इग्नोर मार के। गाइस तो है ना अभी अभी हम सब ना हैप्पी बर्थडे नहीं हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट करके आए हैं। और ये सारी हमारी कॉलोनी की सारी मतलब हमारी पूरी बिल्डिंग है ना एक, तो उस बिल्डिंग के सारे फीमेल्स लगभग बहुत सारी आंटीज थी, सारी मदर्स हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कॉलोनीज की कि हम सब इकट्ठे होके कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम अकेले सेलिब्रेट करते ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, पर हाँ ऐसे सेलिब्रेट करके कितना अच्छा लगता है। सारी मदर्स को जो नहीं भी मनाते उन्होंने भी मनाया, जो मनाते हैं उन्होंने अच्छे से मनाया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये मेरा YouTube पे फर्स्ट मदर्स डे था, सो वी सेलिब्रेटेड इट एंड अच्छा लगा। गाइस मेरी मम्मी का, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरी मम्मी का बर्थडे हमें पता नहीं था, तो आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। सो हैप्पी बर्थडे टू माई मम्मी, मुझे पता है आप व्लॉग देखोगे। तो गाइस मनाया हमने बहुत अच्छे से, सेलिब्रेट किया सबने, बहुत फन किया। मेरी ब्राउनी वो भी मदर बन चुकी थी पर उसके बच्चे बड़े हो गए, वो चले गए
अपनी दुनिया जी ने, मैंने उसके साथ भी सेलिब्रेट किया। शी इज़ द बेस्ट, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत पसंद है मुझे, पर उससे ज़्यादातर आजकल गुस्सा ही रहती हूँ मैं। डॉगीज से भी गुस्सा होती हूँ क्या? मेरी दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त सिर्फ और सिर्फ डॉगीज है, आपको बता। तो अभी मैं वापस चलती हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, और देखते रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। आई लव यू थरान। ये सबसे अच्छी बात भी है क्योंकि इसके अंदर पास्टर तुम मुझे कुछ बोल लेने देते।